Yes, childrens. Happy Mathematics Day to you all. आपको पता है कि मैथमेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है चिल्ड्रन? डू यू नो? क्या आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है चिल्ड्रन? यस, श्रीनिवास रामानुजनम, ये हमारे इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बेटा, आपको पता है ना। उनके ही बर्थडे को हम मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं, जैसे 14 नवंबर हमारा चिल्ड्रंस डे होता है ना, ये हमारा चाचा नेहरू का बर्थडे है। सेम टू यू आयुषी, हैप्पी मैथमेटिक्स डे टू यू ऑल। ओके चिल्ड्रेन, लास्ट ऑडियो वीडियो बोथ इज क्लियर चिल्ड्रेन? गिव मी रिप्लाई, ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर? बेटा आप लोगों को वीडियो ऑडियो दोनों बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? आज मैंने बोर्ड की थोड़ी एडजस्टमेंट चेंज की है। ओके चलो चिल्ड्रेन, लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है मैं आप लोगों को 22nd तक करा दी थी ना चिल्ड्रेन, और 23rd सेम था, टाइम हो गया था इसलिए मैं बीच में ही आपको होमवर्क पता नहीं बता पाई थी, यानी मैं भूल गई थी उस दिन। तो 23rd भी सेम है, मैं उम्मीद करती हूँ बना लिया होगा आप लोगों ने। आज मैं आपको 24th से बता रही हूँ। 22nd तो बताकर ही गई थी चिल्ड्रेन, 23rd भी आप लोगों ने बना लिया होगा, है ना? ठीक है, अब आज मैं 24 से स्टार्ट कर रही हूँ। दिखता है ना बेटा, यहाँ भी मैं लिख सकती हूँ, ये भी क्लियर है। ये है हमारा 24, ठीक है? देखो एक मशीन है बेटा, उस मशीन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है एनुअली बाय 20%। एनुअली 20% मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज ₹3,87,000, व्हाट वाज द वैल्यू 1 ईयर अगो, है ना? तो प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ₹3,87,000, है ना? और डिप्रेसिएशन का मतलब होता है बेटा लॉस, जैसे होता है ना वही डिप्रेसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10%। जस्ट ए मिनट चलिए, मैं आज 2 मिनट, ये बहुत ही हल्का दिख रहा है। डेप्रिसिएशन जो है ना चिल्ड्रेन, हमारा जो है वो है 10%। तो हम ना मान लेंगे कि सपोज कर लेंगे कि हमारी जो प्राइस थी ना 1 ईयर अर्लियर, जो प्राइस थी हमारी वो एक्स थी। एक मिनट चिल्ड्रेन, और ये पेन बहुत ही लाइट चल रहा है, मैं थोड़ी सी इसमें इंक डाल लूं।
तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है ना चिल्ड्रन, वो 10% है, तो हम मान लेते हैं कि लेट प्राइस ऑफ जो भी चीज है, क्या है, मशीन, लेट प्राइस ऑफ मशीन 1 ईयर होता है आपको, है ना, 1 ईयर अर्लियर इज एक्स, ठीक है, 1 ईयर अर्लियर एक्स था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, जो प्राइस थी उसमें से कितना डिक्रीज हो रहा है, 10%, एक्स इंटू 10/100, और ये क्या हो गया, 3,87,000। अब देखो अगर ये प्राइस हर साल, चिल्ड्रन सपोज करो कि ये प्राइस हर साल इंक्रीज होती, तो अगर हर साल ये प्राइस इंक्रीज होती तो प्लस का साइन आ जाता है, यहाँ पे हर साल प्राइस जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज का मतलब होता है जो प्राइस था उससे प्राइस कम होती जा रही है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लेस देन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस कर दिया, एक्स माइनस 10x/100, और जो भी वो हमारी प्राइस है वो आ गई, ठीक है ना। तो अब हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना, दिस इंडिकेट जो कटे ना उसको यहीं पे कैंसिल कर दो, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, 10x-x/10 इज इक्वल टू 3,87,000, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 10x/3,87,000, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10x/3,87,000 upon 9। अब देख लेते हैं 9 से ये कट रहा है ना, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 27, 9 3 जा 27 और 3 0, 1 2 3, अब ये कितना हो गया, 4 3 1 2 3 4, 8 मिनट आंसर हो गया, 4 3 और 1, ये हमारा 4,30,000, यही हमारा आंसर हो गया, मतलब 1 ईयर पहले जो इसकी प्राइस थी वो यही थी, ठीक है, एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो फिर आगे बताऊंगी। और 26 दोनों क्वेश्चन सेम है चिल्ड्रन, है ना, आप लोग ही बताओ, जो कहोगे वही करा दूंगी। संदीप लास्ट के 3 लाइंस जो है ना, ये रहा एलसीएम, 10 एलसीएम, 10x-x/10, फिर ये माइनस 9x और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और फिर x से वैल्यू निकल कर आ गई, है ना। इसके बाद बच्चों आप लोग ही बताना कि मैं 25 बताऊं या 26, एक में डिक्रीज हो रहा है एक में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज में माइनस करते हैं और इंक्रीज में प्लस करते हैं, आप जो भी कहोगे मैं बता दूंगी, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अर्चिता आपने कर लिया, अब आप लोग बताओ कौन सा बता दूं मैं, 25 बताऊं या 26, 25 में माइनस करना है 26 में प्लस करना है, दोनों में से कौन सा बताऊं। ट्वेंटी फाइव, ओके।
देखो दोनों क्वेश्चन सेम है चिल्ड्रन, दोनों समझा देती हूँ मैं एक साथ, फिर बनाऊंगी है ना। देखो 25 जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए कार डिक्रीजेस एनुअली बाय 20%। एक कार है बेटा, उसकी वैल्यू 20% डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, एक कार है उसकी वैल्यू 20% डिक्रीज हो रही है, मतलब अगर आज 100 रुपए दाम है तो अगले साल 80 हो जाएगा, फिर 80 का 10% डिक्रीज होगा, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार विल 4,50,000। आज के डेट में कार की जो रेट है वो 4,50,000 है। आपको बताना है कि 2 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, आफ्टर 2 ईयर्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कार। और 26 जो क्वेश्चन है बेटा ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ उल्टा ये है कि किसी भी टाउन की पॉपुलेशन दी हुई है, तो आपको पता है कि पॉपुलेशन तो हमेशा इंक्रीज होती है बेटा, किसी भी हालत में डिक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि हर साल कुछ नए बच्चे, जो पॉपुलेशन का जो हमारा इंक्रीज रेट है बेटा वो जो डेथ रेट होती है उससे हमेशा ज्यादा होती है। तो 26 क्वेश्चन में जो है वो क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, वहां भी प्रेजेंट पॉपुलेशन मिला हुआ है, और यहाँ भी हमें 2 सालों के बाद आफ्टर 2 ईयर्स मुझे बताना है कि कितनी पॉपुलेशन रह जाएगी, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं चिल्ड्रन। देखो दो तरीके हैं बच्चों, एक तो तरीका ये है कि हम एक एक साल करके निकाले है ना, और एक जो तरीका होता है बेटा उसमें हम डायरेक्ट भी निकालते हैं। पता नहीं आप लोगों की भी छोटी क्लास है तो शायद वो इकट्ठे नहीं बताया होगा, एक एक साल करके बताया होगा, तो मैं भी यहाँ पर आपको 1-1 ईयर करके ही बता दे रही हूँ, ठीक है। तो 25 जो पहले हमें मिला हुआ है, प्रेजेंट दिख रहा है ना आपको बच्चों, ये दिख रहा है यहां से, दिस इज विजिबल 25। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार इज इक्वल टू कितना है हमारा, 4,50,000 है ना, रुपीज 4,50,000। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। अब ये डिक्रीज हो रही है 2 ईयर्स कंटिन्यूअसली बेटा, और जो डिक्रीज रेट है, रेट ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू 20%, रेट ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू 20%, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ कार, वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद कितनी होगी, तो 4,50,000 माइनस 4,50,000 इंटू 20, जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है बेटा अपॉन 100, 00 से 00, एंड दिस इज इक्वल टू 4,50,000 माइनस 2 है बेटा, तो 45 2 90, और 1,230, 1,230, ठीक है ना। देखो 45 2 90 हो गया, और 2 0 और 3 0, और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 0 3 0 तो ऐसे ही आ गया बच्चों, चौथा 0 आ गया। अब 9 और 5 है, तो 9 और 5 है तो 6, और 3 कितना आ गया, 3,60,000। ये 1 ईयर के बाद है, अभी 1 साल के बाद और निकालना है, तो हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स। तो अब ये वाली रेट आ जाएगी, इसका ना बेटा बड़ी क्लास में ना डायरेक्ट भी हम निकालते हैं, लेकिन चलो अभी तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा है डायरेक्ट, -360,000 इंटू 20 अपॉन, दिख रहा है आप सबको, 100, 00 से 00 कट गया, और 3,60,000 माइनस
36 टू जा 72 और अगेन वही 3 0 1 2 3। और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3 0 दिख रहा है आप सबको, 1 2 3 0 आ गए और 10 में से 2 गया 8 और ये बच गया बेटा 5 और नीचे है 7। तो 7 और यहाँ पे 5 आ गया और नीचे है हमारा 7, तो 8 आ जाएगा है ना, 8। ₹2,88,000 आ गया समझ में आपको? कर लो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं हम इसका। ये है हमारा टेन बी क्वेश्चन नंबर। हाँ बेटा यही है, आंसर चेक करने की नीड नहीं होती। और जब आप 26 बनाओगे ना तो कुछ मत करना, केवल प्लस कर देना, जहां जहां मैंने माइनस की साइन लगाई है ना बच्चों, वहां वहां प्लस करोगे है ना। चलो कर लो आप लोग, करने के बाद मुझे दंड लिख देना है ना। डन चिल्ड्रेन, बस हर्षिता और आयुषी तो बच्चों ने रिस्पॉन्स किया। नेक्स्ट बताऊं बच्चों, सबने कर लिया या नहीं, यस और नो, सबने नोट डाउन कर लिया? गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रेन, आप सबने नोट डाउन कर लिया? ओके अब देखो 26 तो सेम कर लेना, सिर्फ बीच में प्लस की साइन आ जाएगी बस, और कोई फर्क नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ 27 लास्ट है इस एक्सरसाइज का बेटा। ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सुगर बाई 25% बाई हाउ मच परसेंट मरते हाउस होल्डर डिक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ सुगर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द सुगर। अब देखो इस पहले इस क्वेश्चन को समझो चिल्ड्रेन। सपोज करो कि कोई फैमिली थी, वो मान लो कि जैसे स्टार्टिंग में उनको मंथली जो है वो 5 kg सुगर कंजम्पशन कर रही थी। अब क्या हुआ कि सुगर का प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज हो गया, तो सुगर का 25% इंक्रीज होने पर उस फैमिली ने ये डिसीजन किया कि हम जितने सुगर में प्राइस पहले खर्च करते थे अभी भी उतने ही खर्च करेंगे। उसकी जगह पर उन्होंने जो सुगर की क्वांटिटी जो वो परचेस करते थे वो उन्होंने कम कर दी। जैसे सपोज करो वो पहले 5 किलो अगर वो खाते थे तो अब वो 4.5 kg ही खाने लग गए। तो अब यही बताना है हमें कि वो कितना कम कर दे। ये 4.5 तो मैंने आपको ऐसे ही एक एज्यूम करके बता दिया कि वो अब अपनी प्राइस को कितना कम कर दे कि उतने ही पैसे खर्च करें जितना वो पहले कर रहे थे, यही हमारा क्वेश्चन है। तो प्राइस ऑफ सुगर में इंक्रीज कितना हमारा हो रहा है, ये है 27 क्वेश्चन बेटा, दिख रहा है ना आप सबको? इधर से दिख रहा है, इधर से दिखा करते हैं। इंक्रीज इन प्राइस
इज इक्वल टू 25%। अब ऐसे क्वेश्चन हो ना बेटा जहां पर कुछ भी नहीं दिया हो, तो हमेशा ना इसमें 100 ही मानकर हम बनाते हैं, ठीक है। लेट द कंजम्पशन लेट द कंजम्पशन ऑफ शुगर लेट द कंजम्पशन ऑफ शुगर अर्लियर इज 100 kg था, ठीक है ना। दोनों ही 100 ले लेंगे एंड प्राइस 100 kg था बेटा, और प्राइस भी जो था वो 100 ही रुपीज था। ओके, अब हमारा प्राइस कितना हो गया, न्यू प्राइस चूंकि 25% इंक्रीज हो गया है, तो पता ही है 100 में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। न्यू प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 25, क्योंकि रुपीज में हमने 100 ही लिया था, सॉरी, तो ये हो गया हमारा 125 रुपीज। ओके, तो अब क्या होगा बेटा कि अब हमें 125 रुपीज में बेटा हमें 100 kg सुगर लेना है। नाउ नाउ हमें कितना यहाँ पे लेना है, तो हमें रुपीज 125 क्या है, हम कंजम्पशन कर रहे हैं ना, इन रुपीज 125 100 सुगर भी हमने माना है, 100 kg ऑफ यहाँ पर लगा दो, तो फेच लगा लो, फेच का मतलब होता है कंजम्पशन, और यहाँ पे साइन जो होता है ना बेटा हम सिंस का लगाते हैं, देयरफॉर इन रुपीज 1 फेच 100 अपॉन 125 kg ऑफ सुगर, और फिर हम निकाल लेंगे इन 100 रुपीज में, देयरफॉर इन रुपीज 100, तो ये हो गया 100 × 100 upon 125। 25 × 5 = 125 और 25 × 4 = 100 और 5 से 20 कितना आ गया, ₹80, ₹80 नहीं बेटा 80 kg। तो हमें डिक्रीज कितना करना है, रिडक्शन, मतलब पहले 100 kg खाते थे तो अब हमें कितना खाना है, रिडक्शन इज इक्वल टू 100 - 80 एंड दिस इज 20, क्योंकि दाम सबका बराबर है ना बेटा, तो हम यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया 20%, क्योंकि अगर हम रुपीज में भी 20 × 100 upon 100 करेंगे तो 20 आएगा। वापस एक बार समझा रही हूँ, ठीक है ना बच्चों, वापस एक बार समझा रही हूँ। देखो हम मान लेते हैं कि हम 100 kg शुगर का कंजम्पशन कर रहे थे और प्राइस भी 100 ही रुपीज थी, ठीक है ना, मतलब 100 रुपए में हम 100 kg चीनी ले रहे थे। अब प्राइस 25% बढ़ गया बेटा, तो अब 100 रुपीज की जगह प्राइस 125 हो गया। अब लेकिन मुझे 125 रुपीज जो है उसमें मुझे जो चीनी लेनी है वो 100 kg ही के बराबर लेनी है, क्योंकि मुझे अपने पैसों को नहीं बढ़ाना है। तो हम पहले 125 में निकालेंगे और फिर हम 100 में निकाल लेंगे, तो मेरा जो कंजम्पशन आया चिल्ड्रेन वो 80 kg आया, तो हमें रिडक्शन कितना करना है, तो 20 kg का रिडक्शन कर देना है। अगर हम 20 kg चीनी खाना कम कर दें, मतलब हम जितना भी चीनी लेते थे 20 ही नहीं, मान लो अगर हम 100 kg खाते थे तो 20 कम कर देंगे, 5 kg भी खाते थे बेटा तो 5 का 20% कम कर देंगे, तो 5 × 20 upon 100 तो क्या हो जाएगा, 5 × 20 upon 100, 5 मतलब 1 kg शुगर हमें कम कर देना होगा। आ गया ना समझ में, एक बार इसे नोट डाउन कर लो। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है ना, तो एक्सरसाइज भी खत्म हो गई बच्चों, चैप्टर भी खत्म हो गया, और जो आपके MCQs हैं ये तो खुद से कर लेना आप लोग, अगर कोई नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, 11th चैप्टर। मैम ने कुछ पीछे से भी आखिरी महीने आप लोगों को कराया था चिल्ड्रन, या स्टार्टिंग से ही आप लोग कर रहे थे?
पीछे से भी कुछ किया था आप लोगों ने बुक में, जैसे मेंसुरेशन, बार ग्राफ, प्रोबेबिलिटी, मीन मीडियन मोड कुछ भी किया है आप लोगों ने या नहीं, एक बार बताना मुझे आप लोग। अभी तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस करा देती हूँ, फिर नीचे से कुछ करवा दूंगी आप लोगों को। मैंने पूछा चिल्ड्रेन कि आप लोग स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज कर रहे थे या मैम ने पीछे से भी कुछ करवाया था आपको। ठीक है बेटा, डन तो है, डन तो है। और लास्ट से कुछ भी नहीं कराया था। ओके, अभी हम एक चैप्टर कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं प्रांजल, अभी हम लोग स्टार्टिंग का कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ना थोड़ा हम आपको पीछे से भी थोड़ा बताएंगे कि ताकि हम लोग मीन मीडियन मोड भी सीखें। एक्चुअल में मैथ्स के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं ना, तो वहां से हम करेंगे। कर लिया सब बच्चों ने, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। अभी अपने पास टाइम है, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज प्रॉफिट एंड लॉस। समझते ही हो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस तो बड़े अच्छे से समझते हो आप लोग। आप बाजार जाओ, कोई भी सामान 10 रुपए की खरीद के लाओ और अपने फ्रेंड को बेवकूफ बना के 12 रुपीज में बेच दो, तो क्या हो गया, 2 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। और आपने 10 रुपीज में कोई भी सामान लेकर आए और अपने फ्रेंड को आपने 8 रुपीज में ही उस सामान को दे दिया, तो आपको क्या हुआ, 2 रुपीज का लॉस हो गया। तो यहाँ तो हम रुपीज से निकालेंगे और फिर हम इसका परसेंटेज में भी निकालना सीखेंगे कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। मतलब परसेंटेज का मतलब होता है बच्चों कि फिर हम उसको 100 से भी फाइंड करेंगे कि 100 से कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। तो कोई भी चीज को जो मैंने आपको कहा कि आप खरीद के लाए और अपने फ्रेंड को बेच दिया, तो जो आप खरीद के लेकर आते हो, दिस इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एनीथिंग इज परचेज। अब इस कॉस्ट प्राइस में बहुत सारी चीजें होती है बेटा, आप लोगों को पता है आजकल सेल टैक्स होता है, जीएसटी होता है, सो मेनी थिंग्स होते हैं, है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस में ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। अब आप जितने में भी कॉस्ट प्राइस में लाए हो, उससे अगर आप ग्रेटर प्राइस, ज्यादा प्राइस में अगर आप किसी को सेल कर देते हो, तब तो आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज गेन। और अगर आप खरीद कर जितने भी चीज में जो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, उससे जब आप किसी को सेल करते हो, तो वो प्राइस अगर कम होती है बेटा, मींस इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, देन देयर इज ए लॉस, है ना। तो प्रॉफिट एंड गेन आर सेम वर्ड्स, एंड लॉस इज लॉस मींस कि आपको वहां पे क्या हुआ है, नुकसान हो गया। आपके खुद के पैसे जितने आपने खर्च किए थे, उससे भी कम पैसे में आपको उस चीज को सेल करना पड़ गया, है ना। तो दिस इज नोन एज लॉस। और उसके बाद याद रखना कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं बेटा, गेन का मतलब प्लस और लॉस का मतलब माइनस। और जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे बेटा, तो परसेंटेज निकालेंगे तो हम जब भी गेन परसेंट निकालेंगे, तो दिस इज ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस। गेन जो होता है या लॉस, दोनों कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, भले ही कॉस्ट प्राइस बड़ा हो या कॉस्ट प्राइस छोटा हो। गेन के केस में तो कॉस्ट प्राइस छोटा हो जाएगा और लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज में अपॉन में कॉस्ट प्राइस आता है। देखो बच्चों, एक चीज यहाँ और क्लियर कर रही हूँ, जैसे आपकी 7th क्लास की बुक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालने के फॉर्मूलाज भी हैं, जिन पर हम वैल्यू पुट करके निकालते हैं। लेकिन जो मैं पहले आपको यूनिटरी मेथड पढ़ा दी हूँ, मैं यूनिटरी मेथड से भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को। उसके लिए हमें ये जरूरत नहीं पड़ती चिल्ड्रेन कि जो है हम ये जरूरत नहीं होती हमें कि कोई मैं फॉर्मूले पे ही फाइंड करूं। तो मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगी चिल्ड्रेन, कि अगर इन केस कभी आप फॉर्मूला भूल जाओ, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूला से ही बनाए, हम यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं इनको बनाने के लिए। और यूनिटरी मेथड हम कभी नहीं भूलते, यूनिटरी मेथड का मतलब वही होता है, 10 सामान इतने में खरीद के ले आए, तो बताओ 20 सामानों की प्राइस क्या होगी। तो वो वही होता है, 1 थिंग की हम पहले प्राइस निकाल लेते हैं चिल्ड्रेन,
और वन थिंग की निकालने के बाद फिर उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। तो अभी तो हम सब फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। कॉस्ट प्राइस तो बता ही दी, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड, और सेलिंग प्राइस क्या होता है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, है ना। तो मैं एसपी और सीपी नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको प्रॉफिट से लिख रही हूँ। प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही वर्ड है बेटा। ये कब होता है? अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पर हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है या गेन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अभी तुरंत मैंने आपको परसेंटेज भी निकालना सिखाया है, ये मेरे साथ साथ आप लोग फॉर्मूला लिखते चलना। गेन परसेंट इज इक्वल टू जो भी आप गेन कर रहे हो गेन, ठीक है ना, और इनटू 100 और अपॉन, अभी बताई हूँ मैं कि हमेशा सीपी पे होता है और आंसर भी आपका परसेंट में आएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको लॉस हो रहा हो, दिख रहा है आपको लॉस हो रहा हो, तो लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। और लॉस परसेंट जब हम निकालेंगे सब चीज यही होगा बच्चों, लॉस इंटू 100 और अपॉन, ये भी सेलिंग प्राइस पे ही होता है याद रखना, कभी भी सॉरी कॉस्ट प्राइस पे होता है, कभी भी सेलिंग प्राइस पर हम परसेंटेज फाइंड नहीं करते, ठीक है ना। ये करो फिर और फॉर्मूलाज बताती हूँ मैं। इसके अलावा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालने के भी फॉर्मूले हैं। तो लिख देती हूँ बच्चों, एक तो लिख जाएगा यहाँ। और देखो अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है, देखो गेन और लॉस में बिल्कुल ही टेंशन मत लेना, वो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। 100% में मिला होगा बच्चों, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। मैं तो यूं ही कहूंगी कि आप यूनिटी मेथड से ज्यादा बनाओ, बट फिर भी फॉर्मूला याद कर लेना। और यही बेटा अगर ये लॉस है तो लॉस के केस में सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 और इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। सिर्फ फर्क क्या है, फॉर्मूला सेम है, गेन में प्लस और लॉस में माइनस, है ना। एक और है ऊपर लिखते रही हूं मैं, वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होता है बस इसमें ना उल्टा हो जाएगा, ये जो नीचे वाला है ना वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, 100 प्लस गेन परसेंट और इनटू एसपी, ठीक है ना। यहाँ सीपी था, यहाँ एसपी था, यहाँ पे सीपी। और इसी तरह से जब हम लॉस के लिए निकालेंगे तो लॉस के लिए हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। डन, आप एक बार सारे फॉर्मूलाज लिख लो चिल्ड्रेन, उसके बाद देखते हैं टाइम बचेगा तो हम एक आध क्वेश्चन बना लेंगे, 5 मिनट्स है, हो जाए तो आप डन लिख देना, है ना।
बेटा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इंटू एसपी कर लेना, ठीक है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसके बाद इंटू एसपी है ना। देन चिल्ड्रेन, तो नाउ वी हैव कम टू एक्सरसाइज 11A। एक्सरसाइज 11A बहुत इजी है बच्चों। फर्स्ट बहुत सारे हैं इसमें, तो इनमें से कोई भी, मैं फर्स्ट का सेकंड बता रही हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं फर्स्ट का आपको सेकंड बता। तो हमें यहाँ पे सीपी मिला हुआ है, सीपी इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। अब हमें देखना है गेन है यहाँ पे, गेन परसेंट इज कौन 16 टू अपॉन 3% है ना। और मुझे यहाँ पे निकालना है बच्चों एसपी, तो आपने भी जस्ट हमने फॉर्मूला लिखा है बेटा एसपी के लिए, है ना। तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और मैं ना आपको बिना फॉर्मूला के भी सिखाऊंगी बच्चों, 100 प्लस 16 टू अपॉन 3 अपॉन 100 इंटू 9600। अब देखो 100 प्लस 50 अपॉन 3, आराम आराम से कैलकुलेशन करना, कोई हड़बड़ी नहीं करना, इंटू 9600 दिख रहा है आप सबको, है ना। अब देखो यहाँ पे एलसीएम होगा क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, आपको पता है, तो क्या हो जाएगा 300, है ना। 300 प्लस 50 अपॉन 3 अपॉन, नहीं दिख रहा, मैं ना इस तरफ लिख रही हूँ, ठीक है ना बच्चों, इधर लिख रही हूँ मैं, क्या हो जाएगा, हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 300 दिख रहा है ना, 300 प्लस 50 अपॉन 3 अपॉन 100 और इंटू 9600। अब देखो ये बन गया 350, याद रखना इसका मतलब होता है ऐसे, तो ये क्या हो गया 1/100 इंटू 9600, 00 से 00 कट गया और 3 से 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, कितना आ गया हमारे पास 350 इंटू 32, ठीक है ना। अब इसको 35 में मैं 32 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 570 और 5 3 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 0 7 और 5 12 11 रुपीज 1100 दिस इज आवर आंसर, है ना। ये मैंने आपको फ्रैक्शन वाला बता दिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, है ना। और देखो अगर मैं डायरेक्ट बनाती ना बच्चों, तो दिख रहा है आपको 9600 प्लस 9600 इंटू 16 टू अपॉन 3 अपॉन 100, बस ये डायरेक्ट मेथड था बेटा, जो प्राइस और उसमें 16 टू अपॉन 3 का प्रॉफिट, और यही है, यही आपका फॉर्मूला है। इसमें 9600 को कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं है, सब चीज सेम है ना। चलो अभी तो आपकी छोटी क्लास है, बनाओ आप ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना हो रहा है बच्चों? तो ठीक है बेटा, क्लास ओवर होने का टाइम हो रहा है, आप लोग फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लेना, 11A, 11A का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना बेटा, इजी है। सेकंड में भी गेन निकालना है, सिर्फ माइनस करना था, लेकिन चलो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको।